नमस्कार। पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी जो लगभग लगभग 40 साल से उम्र के ऊपर के लोगों को ज़्यादा देखने में आती है। सामान्य तौर पर पार्किंसंस जो है 50, 55 से 60 साल की उम्र के लोगों को सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है पार्किंसंस? पार्किंसंस में क्या आपके शरीर में लक्षण आना चालू हो जाते हैं? पार्किंसंस के लिए मैनेजमेंट आप क्या करें कि पार्किंसंस धीरे धीरे करके मैनेज होना शुरू हो जाए। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि पार्किंसंस में जो डोपामाइन सिंडोपा के नाम से जो दवाई चलती है, इसका लगातार डोज जो है वो बढ़ाते रहते हैं, और पहले पहले डोपामाइन सिंडोपा जो है दिन में 2 बार दी जाती है, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर हर 2 घंटे में, और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि लगभग हर 1.5 घंटे में सिंडोपा जो दवाई है वो देनी पड़ती है। उसके साथ ही लोग थोड़ा बहुत चलने फिरने में सक्षम हो पाते हैं। हम क्या ऐसा करें कि ये जो सिंडोपा है इसको देने की ज़रूरत ना पड़े, और जो पार्किंसंस के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो पार्किंसंस में शरीर में ख़राब परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को बिना दवा के अगर सही करना चाहें तो आपको किन किन चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले पार्किंसंस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से जो नर्वस सप्लाई मसल तक आ रही है, नर्व मसल को जो कुछ कहना चाह रही है वो मैसेज प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं हो पाता है, और उसके चक्कर में जैसे अगर मान लीजिए ये हमको उठाना है, और ये उठाने के बाद जो नर्व ने मसल को एक रेस्पॉन्स दिया कि भाई ये आप रिमोट को उठाओ, अब आपका ब्रेन कैलकुलेट नहीं कर पाता है कि इसमें कितना वजन होगा, उसके हिसाब से नर्व मसल को ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाती, और नर्व और मसल के इस इनकोऑर्डिनेशन की वजह से आपकी मांसपेशी इस तरीके से लगभग लगभग इनवॉलेंट्री मूवमेंट करवाती है, जिसको ट्रेमर्स बोला जाता है। और जैसे चाय पिएगा कोई भी व्यक्ति पार्किंसंस वाला, तो चाय ऐसे करके हिलता है कप और चाय फैल जाती है, पानी पीने में इस तरीके से हिलता है, फैल जाती है, गर्दन इस तरीके से हिलती रहती है, ऐसे ऐसे हिलती रहती है। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मूवमेंट्स कहीं के भी हो सकते हैं, स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट हैं, ये जो मस्कुलो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें किसी भी टाइप का इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो सकता है। पार्किंसंस जब सिस्टेमिक मसल्स पर पहुंचती है या स्केलेटल मसल में, जो आपका लोअर लिम के रीजन पर जब पार्किंसंस का इफेक्ट आता है, तब कभी कभी आपको जो नर्व ने मसल पर मैसेज कन्वे किया, अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि जब तक चल नहीं रहे हैं तब तक वो स्टेप ही नहीं बढ़ा पा रहे, लेकिन जब चलना चालू होते हैं तो उनको सामने से आके रोकना पड़ता है, तब रुक पाते हैं, नहीं तो अपने आप वो रुक भी नहीं पाते। स्टेपिंग उनकी जो है ना, वो पार्किंसंस का पेशेंट जब चलेगा तो आपको लग जाएगा कि इनको पार्किंसंस की प्रॉब्लम है। इंस्टेंट स्टेपिंग जो होती है उनकी, उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चक्कर में उनको ऐसा लगता है कि कहीं बैलेंस नहीं बना तो हम गिर जाएंगे, इसलिए उनके शॉर्ट स्टेप्स होना चालू हो जाते हैं और वो पैर को जमीन से रगड़ करके चलना चालू कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको कौन से व्यायाम करने चाहिए जो पार्किंसंस की ग्रोथ रेट है, जो बीमारी के बढ़ने की जो दर है, उस बीमारी के बढ़ने की दर को सबसे पहले कमजोर करें, कम करें, और उसके साथ अगर आपका प्रयास बहुत अच्छा हुआ तो पार्किंसंस में आप आराम भी पा सकते हैं। कौन से ऐसे आसन हैं जिनका अभ्यास आपको नियमित करना चाहिए, कौन से प्राणायाम हैं जिनका अभ्यास आपको बहुत लाभकारी होगा, आज हमारे साथ इन आसनों और प्राणायामों का डेमो के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर अर्क प्रभादास अधिकारी जी। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप कौन से व्यायाम को करें जो आपको पार्किंसंस में लाभ हो। सबसे पहले मैं डॉक्टर अर्क प्रभा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप खड़े होकर करने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, जो शिथिलीकरण व्यायाम जिसको बोला जाता है, लूजनिंग एक्सरसाइज जिसको बोला जाता है, वो एक बार आप डेमो करके बताएं। सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हुए
जी, अब सबसे पहले हम लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे। लूजनिंग एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों में लगभग आधे से 1 फीट का फासला, दोनों हाथ आप कमर पर रख सकते हैं, दोनों कोहनियां आपकी साइड की तरफ रहेंगी, जिससे आपका बैलेंस प्रॉपर हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले गर्दन का व्यायाम करना है, तो गर्दन के व्यायाम में सबसे पहले आप गर्दन को श्वास को भरते हुए पीछे ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे लेकर के आएंगे। अगर गर्दन में भी दर्द है आपके, तो फिर आप गर्दन को आगे नहीं लाते हैं, ये ध्यान में रखना होता है। ये 10 बार मूवमेंट किया, 10 बार जब ये मूवमेंट हो जाए, तब आप अपने कान को कंधों से लगाने का प्रयास करेंगे, बाएं कान को बाएं कंधे से, फिर दाएं कान को दाएं कंधे से, फिर बाएं कान को बाएं कंधे से, फिर दाएं कान को दाएं कंधे से, 10 बार ये वाला मूवमेंट होगा। जब 10 बार ये वाला हो जाए, तब फिर आपको अपने गर्दन को ट्विस्ट करना है, बाईं तरफ पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखने का प्रयास, फिर दाईं तरफ पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे देखने का प्रयास, ये ट्विस्टिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक रोटेशन, तो नेक रोटेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नेक रोटेशन, इसको 5 टाइम्स करेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज नेक रोटेशन, इसको 5 टाइम्स करेंगे। अगर इसको करने में आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, तो फिर आप इसको बैठ करके भी कर सकते हैं, और ये सारे व्यायाम जो अभी गर्दन के बताए आपको, ये आप चेयर या स्टूल पर बैठ करके भी कर सकते हैं, सोफे पर बैठ करके भी इन व्यायामों को किया जा सकता है। ठीक है, अब हम व्यायाम करेंगे उंगलियों का, मुट्ठियों को पूरा बांधना, पूरा मुट्ठियों को खोलना, 10 बार आपको ये उंगलियों को पूरा बांधना और पूरा खोलना व्यायाम करना है। ठीक है, अब आप 10 बार अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी को बांधना खोलना करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आपको कलाई का मूवमेंट करना है, मुट्ठी बांध के रखी है, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांधी हुई है, मुट्ठी को पूरा नीचे पूरा ऊपर, पूरा नीचे पूरा ऊपर, 10 बार करेंगे। इसके बाद जब 10 बार ये हो जाए, तो मुट्ठी को पूरा दाएं पूरा बाएं, पूरा दाएं पूरा बाएं, ये रिस्ट का मूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर रिस्ट सर्कमडक्शन, पूरा रिस्ट को सर्कमडक्टरी मूवमेंट पर ले जाना है, 10 बार क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर 10 बार आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी करेंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी करेंगे। ये रिस्ट का मूवमेंट हो जाएगा। रिस्ट के मूवमेंट के बाद आप सुपिनेशन और प्रोनेशन, जो आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट है, ये जो रेडियस और अल्ना के बीच में आपका जो मूवमेंट होता है, ये वाला मूवमेंट, हथेली को आसमान की ओर करना और हथेली को जमीन की ओर करना, ये वाला मूवमेंट करेंगे। ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहता है, ये आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने में आपकी मदद कराएगा। अब इसके बाद हम एल्बो को फ्लेक्शन एक्सटेंशन पर ले जाएंगे। इसके लिए आपको अपने कंधे के बराबर ऊंचाई पर कलाई, ये जो है ना, कोहनी को रख लेना है, कलाई को रख लेना है। अब आपको कोहनी से हाथ को मोड़ना है, हाथ के पंजे जो है, उंगलियां जो है, कंधे पर लगानी है, फिर हाथ को सीधा करना है, फिर मोड़ना है, फिर सीधा करना है। आप इसको 10 बार अच्छे तरीके से फ्लेक्शन एक्सटेंशन एल्बो का करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों की उंगलियां आपकी कंधों पर होंगी, दोनों जो आपकी कोहनियां हैं वो कंधों के बराबर ऊंचाई में है, उठी हुई होंगी साइड्स में। अब आपको दोनों कोहनियों को सामने की ओर मिलाना है, ऊपर ले जाना है, फिर धीरे से पीछे ले जाते हुए नीचे लेके आना है। ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ शोल्डर हो जाएगा, 10 बार करना है, 10 बार आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ शोल्डर हो जाएगा। ये आपको 10-10 बार दोनों क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है। इसके बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और ट्विस्टिंग मूवमेंट करेंगे। ट्विस्टिंग, श्वास को छोड़ते हुए आप बाईं तरफ ट्विस्ट होंगे, फिर श्वास को भरते हुए सामने, फिर श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ ट्विस्ट होंगे, फिर श्वास को भरते हुए सामने। इसको आप 10 बार अच्छे तरीके से करेंगे। जब 10 बार ये मूवमेंट कर चुके होंगे, तब आपको हिप सर्कमडक्शन करना है, आपको वेस्ट रोटेशन, जो आपकी कमर का सर्कमडक्शन है, वो करना है क्लॉकवाइज 10 बार। उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। ये आपका हो जाएगा वेस्ट रोटेशन, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इन सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास के बाद अब हम
आगे बढ़ते हैं आसनों के अभ्यास पर, तो आसनों में पार्किंसंस जैसी बीमारी में बहुत अच्छे तरीके से लाभ कराने वाले आसन जो होते हैं उनको बोला जाता है कंसंट्रेशन इम्प्रूवमेंट के आसन या फिर बैलेंसिंग आसन। तो बैलेंसिंग आसनों में वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, लेकिन कुछ साधारण से आसन जो बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है, उन आसनों का अभ्यास आज हम सीखेंगे। सबसे पहला आसन है, आसन का नाम है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिला करके खड़े हो गए, दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ फ्रंट थाइस पर सामने की तरफ जांघों पर, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है, श्वास को छोड़ देना है, फिर श्वास को भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींचना है, धीरे से एड़ियों को ऊपर की ओर उठा करके पंजों पर पूरा वजन रहेगा। अब आप किसी भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को सामने की तरफ देखेंगे जो स्थिर होगा, उस पर अपनी नजरों को गढ़ा देंगे, लगातार पलकों को बिना झपकाए हुए उस ऑब्जेक्ट को देखते रहेंगे, जिससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा बना रहे, तो आपका बैलेंसिंग बना रहेगा, आप हिलेंगे नहीं बार बार, और जितनी अच्छी बैलेंसिंग हो जाएगी इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट उतने ही कम होना शुरू हो जाते हैं। इस आसन का नाम है ताड़ासन। आसन को करके लगभग आप 15 से 30 सेकेंड या 1 मिनट तक इसका अभ्यास, जितना अच्छा अभ्यस्त हो जाएंगे आप उतना अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से श्वास को भरते हुए ऊपर गए थे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को धीरे से नीचे लेकर के आ गए, एड़िया नीचे ले आए, पहला आसन। उसके बाद दूसरा आसन होगा, आसन का नाम है गरुणासन। गरुणासन के लिए सबसे पहले आप दाहिने पैर को घुटने से मोड़ करके बाएं पैर के घुटने पर दाहिने पैर को रैप कर देंगे, उसके बाद दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए कंधे के बराबर ऊंचाई में उठाएंगे, फिर जो पैर आपका ऊपर है उसका अपोजिट वाला हाथ आपका ऊपर हो जाएगा और आपके दोनों हाथ इस तरीके से रैप होकर के नमस्कार की मुद्रा में जाएंगे सामने की तरफ। अब आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, एक पैर पर आपके पूरे शरीर का वजन है, पूरा शरीर आपने ट्विस्ट कर रखा है, तो ये आसन भी बैलेंसिंग आसन होता है। बैलेंसिंग जितनी अच्छी होगी उतना आपका ये पार्किंसंस का रोग धीरे धीरे करके सही होना शुरू हो जाता है, तो गरुणासन। अब तीसरा आसन जो हम करेंगे वो है वृक्षासन। वृक्षासन में सबसे पहले हम दोनों पैर मिला करके खड़े हुए हैं, दोनों हाथ हमारे शरीर के बगल में हैं। सबसे पहले दाहिने पैर को घुटने से मोड़ करके दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की रूट ऑफ थाई पर लगा लेंगे। आपका दाहिने पैर की एड़ी रूट ऑफ थाई पर लगी हुई है बाएं पैर के, और दाहिने पैर का घुटना जो है वो बिल्कुल दाहिनी तरफ साइड में गया हुआ है। अब आपको दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए कंधे के बराबर ऊंचाई में उठाना है, श्वास को छोड़ देना है, हथेलियां आसमान की तरफ कर लेनी है, फिर श्वास को भरते हुए सामने की ओर ऊपर की ओर ले जाना है, ऊपर इस तरीके से नमस्कार मुद्रा रहेगी, दोनों हाथ ऊपर की तरफ है, डॉक्टर आर्क प्रभा जी के हाथ हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि इस तरीके से हाथ हैं, पूरे हाथ ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास अगर बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है तो ये भी बैलेंसिंग आसन है, कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट के लिए है, तो ये आपकी पार्किंसंस की समस्या में अच्छे तरीके से मदद कर पाता है। अब हम आसन करेंगे, आसन का नाम होगा उत्कटासन। उत्कटासन में हम दोनों पैर सामने हैं, अब हमें दोनों पैरों को हल्का सा मिला के रखना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है, लगभग 6 इंच का। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर ऊंचाई में सामने की ओर उठा लेना है। अब श्वास को छोड़ते हुए हमें घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए इमेजिनरी चेयर पोज, जैसे मान लीजिए आप चेयर पर बैठ रहे हैं उस तरीके से आपको पोज को अडॉप्ट करना है, जितना घुटनों को मोड़ सकते हैं आसानी से उतना मोड़ें। अब आप रुक जाएं, रुक करके लगभग 10 सेकेंड से 30 सेकेंड के आसपास आप रुक सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से लेग स्ट्रेंथनिंग आसन होता है, इसके साथ में ये बैलेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये हो जाएगा उत्कटासन। उत्कटासन का अभ्यास करके जब आप वापस आएंगे तो श्वास को भरते हुए आप सीधे खड़े हो जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को सामान्य लेकर के आएंगे। इसके बाद अगला आसन जो है, आसन का नाम है पर्वतासन। पर्वतासन के लिए आपको सबसे पहले
आपको क्या करना पड़ेगा, पर्वतासन में आपको दो तीन आसनों का अभ्यास करते हुए पर्वतासन में पहुंचना है। सबसे पहले आप जाएंगे, सबसे पहले आप करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन का अभ्यास किया, ताड़ासन श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया, फिर आप ताड़ासन के बाद श्वास को छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ आते हुए पाद हस्तासन की अवस्था में आ जाएंगे। पाद हस्तासन में आप दोनों हथेलियों को पैरों के बगल में लगा लेंगे। अब एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, एक पैर पीछे की तरफ ले गए, अब आपको दूसरे पैर को भी पीछे की तरफ ले जाना है और कमर को बिल्कुल ऊपर रखेंगे और ये आसन हो जाएगा पर्वतासन। पर्वतासन की अवस्था में आप अपने आप को लगभग 30 सेकंड से लेकर के 3 मिनट तक इस आसन में रोकने का अभ्यास करेंगे। ये आसन भी बैलेंसिंग आसन में ही आता है। ये आपके शरीर में हाथों और पैरों की मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने का भी काम साथ में करेगा। ये आसन आप अगर करते हैं तो निश्चित ही ये आसन आपके पार्किंसंस जैसी समस्या में आपका बहुत अच्छे तरीके से साथ देगा, बहुत अच्छा लाभ कराएगा। अब हम अगला आसन चतुरंग दंडासन जो होता है उसके लिए अभ्यास करेंगे। तो चतुरंग दंडासन में आप अपने दोनों पैरों को यहां से थोड़ा सा पीछे लेकर के जाएंगे, थोड़ा सा पीछे लेकर के जाएंगे दोनों पैरों को, और चार दोनों हाथ और दोनों पैरों के बीच में आपका जो प्लैंक पोजीशन जैसा होता है वो आपको होल्ड करना है। ये चतुरंग दंडासन होता है। चतुरंग दंडासन इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये प्लैंक पोजीशन भी बोली जा सकती है। इसमें आप अपनी एल्बोस को भी जमीन पर लगा सकते हैं, वैसे जो आपकी कोहनियां हैं उनको भी जमीन पर अगर लगा के रख सकते हैं तो वो वाला आसन भी ये आपके लिए, ये प्लैंक पोजीशन हो जाता है। तो आप इसको भी अगर होल्ड करते हैं तो ये आपकी पूरी की पूरी स्पाइन और लेग मसल्स को स्ट्रेंथ पहुंचाने का काम करेगा। ये आसन बहुत अच्छे तरीके से आपकी पार्किंसंस में अगर आप इस आसन का अभ्यास कर पाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मददगार होगा। धीरे से आप श्वास को भरते हुए धीरे से नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे, जमीन पर लेट जाएंगे पेट के बल। अब आप थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। विश्राम करने के बाद आप धीरे से भुजंगासन, शशांकासन, वज्रासन में बैठते हुए बैठने की अवस्था, पहले भुजंगासन फिर शशांकासन फिर वज्रासन और वज्रासन से सिटिंग सीरीज में बैठ जाएंगे। बैठ करके करने वाले कुछ प्राणायाम जो होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं इस समस्या में। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, जिसमें आपको बाई नासिका से श्वास को भरना है, दाई नासिका से पूरी श्वास को छोड़ा जाएगा, जिस नासिका से श्वास को छोड़ा है उसी से वापस भर के दूसरी नासिका से फिर से श्वास को छोड़ा जाएगा, फिर जिससे श्वास को छोड़ा है उससे वापस भरनी है और दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ना है। इसके लिए इसको अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। आप जिस नासिका से श्वास भरेंगे उसके अपोजिट से छोड़ेंगे, जिससे छोड़ा है उसी से वापस भर के आप अपोजिट से छोड़ते रहेंगे। ये क्रिया जो है, इस श्वास की क्रिया को नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम कहा जाता है। अगर आपको ये क्रिया अच्छे तरीके से समझ में ना आए तो आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, ये पूरा वीडियो है, आप इसको देखेंगे तो ये आपको डिटेल में पूरा समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से श्वास को भरना है, कैसे श्वास को छोड़ना है। इस प्राणायाम के बाद आप अगला जो प्राणायाम है जिसको भस्त्रिका या डीप ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है उसका अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका और डीप ब्रीदिंग जो है ये लंबी गहरी श्वास भरना और भरी गई श्वास को धीरे धीरे छोड़ने वाला श्वास का क्रम है, श्वास की क्रिया है। आप इस प्राणायाम को लगभग लगभग 100 बार करेंगे। 100 बार जब इसका अभ्यास हो जाएगा तब तो फिर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास होगा। भ्रामरी में दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर लेना है, पूरी लंबी गहरी श्वास भरनी है और श्वास को छोड़ते हुए भंवर के समान आपको गुंजन करना है मकार का। मकार का गुंजन अगर आप 3 से 7 बार करते हैं तो ये आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कराने में बहुत मददगार होता है। ये आपके मूड डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने में बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्प करता है और बैलेंसिंग को मैनेज करने में, बैलेंसिंग को मेंटेन करने के लिए भी ये प्राणायाम जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है। इस प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप ओमकार का अभ्यास कर सकते हैं। ओमकार के अभ्यास में आप लंबी गहरी श्वास भर के श्वास को छोड़ते समय आ उ और मा, ये 3 जो आपके स्वर हैं आ उ मा, इसमें आपको 3 वर्ण जो हैं
इनको अभ्यासित होकर के बहुत अच्छे तरीके से इसका उच्चारण करना है। इस तरीके से अगर आप अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मूड डिसऑर्डर्स को ठीक करने के साथ साथ में पार्किंसंस में बहुत अच्छा काम आएगा। कभी कभी ओम का अभ्यास ओ और मां के हिसाब से भी, ओ जो है वो आ और उसे मिला है और मां जो है वो मकार की ध्वनि है, तो ओ 50% और मां 50% ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप आ उ मां करते हैं तो 25% आ, 25% उ और 50% मां। इससे भी आपका जो ओम का अभ्यास है वो बहुत अच्छा होगा, और ओम का अभ्यास अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित ही मस्तिष्क से संबंधित बहुत सारे रोगों में ये ओम का अभ्यास ही अपने आप में पर्याप्त बहुत अच्छा उपचार साबित होता है। तो आप इसका अभ्यास बहुत अच्छे तरीके से करें। अगर किसी को पार्किंसन से संबंधित कोई समस्या है तो उस व्यक्ति को आप इस वीडियो को भेजें, और इस वीडियो में कराया गया सारा अभ्यास अगर कोई करेगा तो निश्चित ही पार्किंसंस में उनको आराम होगा। इसके अलावा पार्किंसंस में जैसे स्ट्रेट लाइन वॉकिंग होती है, क्रिस क्रॉस वॉकिंग होती है, ये फिर वॉकिंग ट्रेनिंग जो प्लान्स होते हैं वो किस तरीके से आपको ट्रेंड किया जाएगा चलने के लिए, वो अलग अलग प्लान्स होते हैं किसको किस तरीके से। क्रिस क्रॉस वॉकिंग होती है, स्ट्रेट लाइन वॉकिंग होती है, उसके बाद आपकी जैसे स्टेपिंग वॉकिंग जो होती है कि आपके हर लाइन को आपको स्टेप अप करके बार बार क्रॉस करना होता है, तो वो आपके गेट पैटर्न को सही करने के लिए और आपके जो वॉकिंग पैटर्न है उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कराने के लिए अलग पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आप उसका अभ्यास भी कर सकते हैं, लेकिन पहले पहले आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ पहुंचाने के हिसाब से इन आसनों और प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।